ब्रीफली बता दें कि रुपए की कदर में कमी क्यों हो रही है। देखिए फैसल भाई, बात इस तरह से कि रुपया जो है इस पर हमने किसी इस तरह से पेग नहीं किया हुआ। इसका मतलब है कि हमने इसको एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको मैनेज कर रहे हैं। ये जब डॉलर्स की फरावानी होती है तो आप देखते हैं कि इसको तकवीयत मिलती है। जब हमने क्रैक डाउन किया, रुपया जो है स्ट्रॉन्गर इसलिए हुआ कि डॉलर इनफ्लो बेहतर हुआ, ओपन मार्केट भी जो है वो फीड कर रही थी इंटरबैंक को, तो आपने ये चीज देखी। अब आप देखिए कि पाकिस्तान ने कुछ पेमेंट्स ऐसी करनी है, जो पिछली रॉयल्टीज रुकी हुई हैं, रिमिट इसकी, ये जो हमारे रिपैट्रिएशन है वो हो रही है, इम्पोर्ट्स थोड़ी सी बढ़ के आई हैं, सो रुपए की कदर इसलिए दोनों साइड्स पे मूव कर रही है। दिस इज क्वाइट नेचुरल एंड क्वाइट, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, इसका एक डिटरमिन हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली IMF मिशन इज इन टाउन, जो हमारे इंटरनेशनल फ्लोज हैं डेट के, वो भी फैसल साहब उस तरह नहीं रहे। जुलाई में बहुत अच्छे थे, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर हैव बीन ऑन द वीकर साइड, सो इसलिए अगर डेट फ्लोज भी नहीं रहे, इसकी एक जो रैमिफिकेशन है वो आपको दिखाई दी कि 7.5 अरब डॉलर के करीब स्टेट बैंक के जर मुबादला के जखायर हैं आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं। ये 8.7 अरब डॉलर थे जब जुलाई में IMF का प्रोग्राम हुआ, तो आपने $1.2 बिलियन जो है वो ब्लीड किया है, बिकॉज आपको डेट पेमेंट्स में ये पैसे देना पड़े। सो अगर आप ओवरऑल ये तनाजुल देखेंगे, रेमिटेंसेज जो है वो स्लो रही है, थोड़ी सी ग्रोथ हुई है बट आर ऑन द स्लोअर साइड, एक्सपोर्ट्स आर आल्सो ऑन द स्लोअर साइड, एक दुनिया भर में भी कसाद बाजारी। अगर आप इन सब चीजों को पुट टुगेदर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि रुपए की कदर जो इतनी मुस्तहकम हुई थी उसने अगर दूसरी साइड पे मूव भी किया है इन द शॉर्ट रन, तो ये कोई ऐसी अनकंफर्टेबल बात नहीं है, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। लेट्स होप कि फंड का प्रोग्राम IMF का आगे बढ़ेगा, ये डॉलर का इनफ्लो बेहतर होगा, तो रुपए की जो कदर है वो एक जो अपना नेचुरल इक्विलिब्रियम है वहां पे जा खड़ी होगी। नहीं, इन द लॉन्ग रन तो जी, एक तो अगर हम ये रिव्यू कामयाब हो जाता है और हमें $71 करोड़ मिल जाते हैं, उससे ज़ाहिर बात है बेहतर होगा। लेकिन हमने दिसंबर में जो पेमेंट्स करनी है उसका इस पर दबाव आएगा रुपए पे? जब भी आपकी डिमांड ऑफ द डॉलर ज्यादा होगी और कम होगी, आपकी इंटरबैंक जो है वो मूव करेगा। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो मूव करेगा। पर अगर ये 710 मिलियन डॉलर आ जाता है तो इससे जुड़े हुए बहुत से पैसे हैं, मल्टीलैटरल्स के बाकी प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लोन्स हैं, कमर्शियल फंड फ्लोज हैं, हमारे जो जेनीवा में बातचीत तय हुई थी 9-10 बिलियन डॉलर की, उसके प्रोजेक्ट लोन्स हैं। तो अगर आप साथ साथ दिसंबर में ये कंसिडर करते हुए कि आपकी एक हैवियर पेमेंट्स ड्यू हैं, तो आप साथ साथ अगर अपनी डिमांड को मैच करेंगे बढ़ी हुई सप्लाई से, तो फिर कम प्रेशर आएगा, वरना बिल्कुल प्रेशर आ सकता है, इस बात में वजन है आपकी। बट ऑल डिपेंड्स कि अब IMF का रिव्यू कंप्लीट होता है, किन टर्म्स पे कंप्लीट होता है, क्या IMF का स्टेटमेंट इशू होता है, एक्सटर्नल पे अभी भी एडजस्टमेंट IMF करेगी, बिकॉज मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1.5 अरब डॉलर हमने रखा हुआ है कि हम लाएंगे अपनी बॉन्ड को फ्लोट करके, ये बॉन्ड तो शायद फ्लोट नहीं हो पाएगा हमसे इस साल में, अच्छा। वो 1.5 अरब डॉलर कहीं से पूरा करना है। इसी तरह कमर्शियल फंडिंग 5 अरब डॉलर की है, क्या हम 5 अरब डॉलर ला सकेंगे? अभी तक हम ज्यादा नहीं ला सके, दुनिया के इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हुए हैं। सो ये सब जो रिस्क टू द प्रोग्राम ये एग्जिस्ट करते हैं, जिसको IMF जो है आपके साथ किसी तरह बैठ के तय करेगी कि कैसे इन चीजों को संभाला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स हैं जो पाकिस्तान के अगले 6 से 8 माह की जो मईशत है उसको आपको एक तकवीयत भी दे सकते हैं, कंफर्ट भी दे सकते हैं, बट ऑन द एज भी रखेंगे जब तक ये चीजें सारी सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। लेट्स होप के रेमिटेंसेस वापस आ जाए 2.5-3 अरब डॉलर पे जो ये चली गई थी बिकॉज ऑफ द ओपन मार्केट फॉर की कम हो गई थी, बट लेट्स होप कि यू नो वी कम बैक टू यू नो बेटर लेवल्स एज वी मूव अहेड। ये है तनाजुर। अच्छा, रुपया हमारा दबाव में था लेकिन स्टॉक एक्सचेंज बेहतर से बेहतर होता चला गया, तो इसकी क्या वजह है कि सरमायाकार का जो हमारी मईशत पर एतमाद बढ़ गया है और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी जो हो रही है वो इसी एतमाद का मजहर है? सो रुपी पे थोड़ा सा एतमाद तो सर्टनली बढ़ा है ना। देखिए अगर आप
पाकिस्तान की ये एडजस्टमेंट्स देखिए जो आईएमएफ की वजह से हो रही हैं, उससे उसका इम्पैक्ट देखिए, साथ आप देखिए कि जो आपने मेजर्स लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आपकी ये जो होर्डिंग थी ये कम हुई, स्मगलिंग कम हुई, ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है इसको संभाला मिला। फिर दूसरी चीज यह है कि इस वक्त रुपी का रिटर्न बेहतर है, आप बैंक में भी रखें तो 21% है। सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर वापस इसलिए भी आया है कि मार्केट बहुत सस्ती हो गई थी, ये 3 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही थी, हमारी मार्केट तो कहीं 8 या 10 के प्राइस अर्निंग्स पे एवरेज ट्रेड करती रही है। मार्केट बहुत सस्ती हो गई थी, हिस्से बहुत सस्ते थे, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सारी बातों के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज है, फर्टिलाइजर है, बैंक्स हैं, पेट्रोलियम सेक्टर है, वो बेहतर आई। सुई गैस की कीमतें आपने जब तब्दील की, जो दोनों सुई कंपनीज हैं जिसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ, फिर इन्वेस्टर ये भी देख रहा है कि कुछ राहत जो है वो बेहतर आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव से हल्की सी पॉजिटिव टर्न की है। सो जब ये सब चीजें वो देखता है और एवेन्यूज कम हो गए, डॉलराइजेशन नहीं करनी आपने, गोल्ड में कोई ग्लिटर नहीं रह गया, आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी में भी थोड़ा सा जो स्लो हो गई है प्रॉपर्टी अब, तो जब सो स्टॉक मार्केट इज एन ऑप्शन जो लोगों के सामने आया। अभी भी मार्केट चीप भी है, मार्केट में इन्वेस्टर भी बहुत, 2.5 लाख तो टोटल इन्वेस्टर है, इस पर तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम इस मार्केट को कैसे डेवलप करते हैं। कोई कमेटी भी बना दी है, मैं कमेटीज का फैन नहीं हूं, पर चलिए एक कमेटी कोई सिफारिशात सामने रखेगी कि इसको कैसे ब्रॉडन किया जाए, मैं आप अपना पैसा कैसे लगाएं, मैं आप अपने पेंशन फंड्स कैसे लगाएं, गवर्नमेंट के पेंशन फंड्स इसमें कैसे आएं, ये सब चीजें जो हैं ये पाकिस्तान की मार्केट के लिए जरूरी है। सही है। अच्छा, ये जो अब रिव्यू पे बातचीत हो रही है उसमें एक बात सामने आ रही है कि 10 लाख नए टैक्स गुजार पैदा किए जाएं और उसकी हमें लिस्ट दी जाए, हमें बताया जाए, तो ये 10 लाख अचानक 10 लाख नए टैक्स गुजार पैदा करना एफबीआर के लिए मुमकिन है, और अगर ये टैक्स गुजार पैदा किए जाएंगे तो उससे मईशत कितना संभलेगी, ये 50,000 की जो लिमिट थी उसको भी कम करने की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि इस वक्त हमारी मईशत में, मार्केट में इतनी जान है कि अगले 1-1.5 महीने में 10 लाख नए टैक्स गुजार पैदा कर लिए जाएं जून से पहले? तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने सामने रखी। एक तो ये कि वो जो 50,000 की जो लिमिट थी टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड की इनकम टैक्स वाली, वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई थी, वर्ल्ड बैंक ने अपनी वो जो तजवीज है उसको वापस ले लिया है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पुराने डेटे पे बेस करके ये कही थी। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि जिस मुल्क में 30% इन्फ्लेशन हो और हमारी इनकम्स इरोड हो रही हो लोगों की, तो उसमें ये तजवीज समझ नहीं आती। कुछ ही दिन बाद वर्ल्ड बैंक ने उस चीज को वापस ले लिया, आई थिंक सेंसिबली उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये हम ऐसा नहीं सोचते। सो एक तो ये बात, दूसरी बात जो है आपने सामने रखी है कि नए टैक्स पे, देखिए टैक्स पेयर्स का तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत सी स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं। मसला ये कि हम कहते रहते हैं हम नादरा का डेटा लेके उस पर काम करेंगे, हम कहते रहते हैं हम लोग जो ट्रैवल करते हैं उनका डेटा लेके काम करेंगे, टेलीफोन बिल्स हैं, एक बहुत बड़ा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का डेटा है, ये सब डेटे को जब आप कंबाइन करेंगे, उस पर डेटा माइनिंग करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गोशवारे दाखिल कराने चाहिए वो नहीं करा रहे, बहुत से ऐसे हैं जो एक्टिव लिस्ट पे हैं पर वो एक्टिवली टैक्स पेयर नहीं है, गाड़ी खरीदने के लिए बन जाते हैं इनकम टैक्स पे और फिर वो वापस चले जाते हैं, तो उनको लाना है, फिर रियल एस्टेट है, रिटेल है, बहुत सा ऐसा है। सो लेट्स होप कि ये काम होता रहे, हमें अपने लिए ये काम करना है शाह साहब, मतलब आईएमएफ कहे भी ना तो तब भी ये काम करना है, टैक्स बेस छोटी है ये सबको मालूम है पाकिस्तान में।